Good morning students. Welcome to our new part today of class 7th English. We will be reading poem The Shed. I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we will be reading this poem, The Shed, which is a part of chapter number 3, Gopal and the Hilsa Fish. He is Frank Flynn. He wrote this poem, he is the poet. एंड दिस इज इमेज ऑफ अ शेड यह एक शेड की इमेज है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे नाउ बिफोर गेटिंग टू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम वी विल रीड अ फ्यू थिंग्स अबाउट द पोएट फर्स्ट सो कम अलॉन्ग वी विल स्टार्ट अबाउट द पोएट फ्रांसिस थानसलॉस फ्लिन दिस वॉज हिज फुल नेम उनको प्यार से फ्रेंक फ्लिन बोलते थे

वो कहां प्रेयर करते हैं चर्च में तो चर्च में जो पूजा करते हैं प्रीस्ट जिसको कहते हैं वो होते हैं मिशनरी प्रीस्ट जो चर्च में पूजा करवाते हैं ठीक है ऑल राइट सो यू कैन से फादर इन स्कूल्स यू हैव फादर्स इन कॉन्वेंट स्कूल्स यू हैव फादर्स दे डू ऑल द प्रेयर्स इन द चर्च सो ही वॉज अ फादर एज वेल वैसे पापा वाले फादर नहीं बेटा But the priest who is doing all the prayers in a church is called Father. He was a missionary priest. He is notable for his contributions to religion, medicine, and Aboriginal welfare. Now he did many kinds of works. He was a very good man. Religions are related because he was a priest, medicine because he was a doctor. And Aboriginal welfare. Aboriginal means tribe-related. Okay. So, their welfare ke liye, upliftment. Ke liye, he did so many things. He was born on 6 December 1906 and educated in Sydney. So, he was Australian-based. Australia is Sydney. So, Sydney mein he was born. He died on 29 July 2000. And he died in 29 July 2000. So, this is all we need to know about the. पोएट फ्रेंक फ्लिन नाउ वी विल मूव ऑन टू दोम ओके सो दिस इज अट ऑफ नरेटिव पोएम ठीक है बेटा वॉट इज अरेटिव पोए नरेट करता है जो पोएट होता है वो बताता है एज इन अट ऑफ अ स्टोरी जैसे कि हम स्टोरी बता रहे हैं वैसे ही इसमें राइमिंग स्कीम नहीं होती ठीक है कोई फिक्स लाइन्स नहीं होती कि इतना ही है बट

पूरी स्टोरी उस पोम में वो एक्सप्लेन करता है दैट इज़ वाई इट्स अ लॉन्ग पोएट्री विद द बिगिनिंग उसमें एक बिगिनिंग होती है शुरुआत होती है किसी चीज़ के बारे में वो इंट्रोड्यूस करता है पहले देन मिडल और फिर उसका सेंटर पार्ट एंड देन एंड और फिर उसका कंक्लूजन या उसका लास्ट पार्ट नरेटिव पोएम्स डू नॉट नीड राइम्स इसमें राइम्स नहीं होती आई टोल्ड यू ए ए बी बी ए बी ए बी है ना जो लास्ट वर्ड्स होते हैं पोयम की लाइंस के वो एक कुछ सीक्वेंस में होते हैं वो होता है बेटा राइमिंग स्कीम दीज पोएम्स आर टिपिकली टोल्ड बाय जस्ट वन नरेटर और स्पीकर ये मोस्टली एक ही नरेटर या स्पीकर से कही जाती हैं ठीक है सो नाउ मूव ऑन टू दिस द पोएम इज द शेड ऑल राइट नाउ वॉट इज अ शेड डू एनी वन अमंग यू नो दैट शेड क्या होता है कम लेट्स रीड डू यू नो वट अ शेड इज आपको पता है कि शेड क्या होता है अ काउ शेड यू मस्ट है अ टूल शेड टूल मीन्स ऑजार ठीक है इक्विपमेंट अ वुड शेड फॉर एग्जाम्पल ठीक है दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ शेड शेड के ये क्या है बेटा एग्जाम्पल्स हैं काउ शेड जहां पे हम काउज को रखते हैं और थोड़ी सी कवर्ड जगह होती है उसको बोलते हैं काउ शेड जहाँ पे हम टूल्स रखते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन लुक एट अ गैरेज ठीक है मैकेनिक का जो गैरेज होता है दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ शेड बट दैट इज अ टूल शेड क्योंकि वहां पे वो अपने इक्विपमेंट्स अपने औजार रखता है ठीक है देन कम्स अ वुड शेड जहां पे लकड़ी रखी जाती है जलाने वाली है ना या किसी भी अदर पर्पज के लिए वो वुड शेड है वहाँ पे लकड़ियाँ रखते हैं और वो कवर्ड जगह होती है दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द शेड अब आपको इन एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है कि शेड क्या होगा एक ऐसी जगह होती है जो मेन अपने घर से काफ़ी दूर होती है ठीक है और वो कवर्ड होती है बेटा मोस्टली कई शेड्स ऐसे होती हैं जो ऑफ एंड ऑन यूज होते हैं बट मोस्ट ऑफ द शेड्स आर लाइक अबंडेंट प्लेस जहां पे कोई आता जाता नहीं है ओके नाउ इट्स अ स्मॉल रूम वी आर डिफाइनिंग व्हाट अ शेड इज अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं डिफाइन कर रहे हैं कि शेड क्या है इट्स अ स्मॉल रूम ये एक छोटा सा रूम होता है अवे फ्रॉम द मेन हाउस जो मेन हमारा घर है उससे थोड़ा दूर फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स वहां पे हम कुछ स्टोर करके रख सकते हैं या कोई और हमारा सामान जो घर में इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम रख सकते हैं Like things, maybe you can keep things, or animals, or tools, vehicles, etc. jaise जैसे हमारा hai है पुराना हो गया या कोई purana पुराना हो गया या कोई भी हमारी चीज कोई hai है हम ka का या कोई ग्रेन्स rakhne रखने हैं means anaj अनाज ठीक है कोई भी इस तरह की चीज़ जो हम घर में नहीं रख के उसमें शेड में रखते हैं जो हमारे कभी कभी काम आता है ऑल राइट right?

What is this? Yes, this is shade. Hai? What do you mean by shade? Shed or shade make kya difference? What is the difference between shed and shade? This is what I explained you right now. This is a small room for storing things or keeping animals or tools or n number of things. Alright. What do you mean by this word? This word means. छाया ठीक है पेड़ की छाया या कोई uh, हम कर्टन लगा देते हैं है ना या फिर कोई टेंट लगा देते हैं किसी भी चीज की छाया दिस इज कॉल्ड शेड सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शेड एंड शेड ठीक है दे आर नॉट द सेम शेड और शेड दे आर टू डिफरेंट वर्ड्स ठीक है डोंट कंफ्यूज इन द वर्ड्स बेटा सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द पोर्म क्विकली जंप इंड टू वाइट There's a shed at the bottom of our garden. Poet कह रहा है कि हमारे garden के कोने पर नीचे मतलब कोई slope area होगा, वहाँ पर हमारे एक shed है. With a spider's web hanging across the door. What is a spider's web? Yes, I know that everyone knows the answer. Spider means मकड़ी, web means its उसका जाला. Spider's web means मकड़ी का जाला. ऑबियसली जो अबंडेंट प्लेसेस होती हैं जहां पे लोग आते जाते नहीं हैं जो बहुत कॉमनली यूज नहीं होता वहां पे क्या होता है ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स वहां पे अपना घर बना लेते हैं ठीक है बिकॉज वी डोंट क्लीन इट ओके रेगुलरली स्पाइडर्स वेब इज अ वेब मेड बाय अ स्पाइडर ठीक है एक स्पाइडर के द्वारा बनाया गया जाल द हिंज आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड उसके हिंजेस क्या होते हैं बेटा आपने देखा होगा जो डोर होता है हमारा डोर चौखट से जहां से अटैच होता है है ना जहां से वो हैंग हो रहा है जो दीवार का पार्ट उसको होल्ड करता है किसी चीज के साथ दैट इज कॉल्ड अ हिंज़ ठीक है वो गेट, गेट को खुलने और बंद होने में उसके मूवमेंट में हेल्प करता है समझ गए हिंजे मीन्स अ पीस ऑफ मेटल दैट ज्वाइंट साइड्स ऑफ अ डोर और बॉक्स एटसेट्रा टुगेदर दो साइड्स को जोड़ता है बॉक्स की या फिर डोर को दीवार से ऐसे टच होके और खुलने और बंद होने में हेल्प करता है द आर रस्टी रस्टी जंग लगा हुआ है रस्टी उसमें जंग लग गया वो बहुत पुराना है रस्ट मीन्स कवर्ड विद अ ब्राउनिश सब्सटेंस रस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ बींग कॉन्टेक्ट विद एयर एंड वॉटर ठीक है पानी और हवा के कॉन्टेक्ट में आके लोहे पे क्या लगता है बेटा कोई भी मेटल पे रस्ट ठीक है जंग लग जाता है तो उसके जो हिंजस हैं वो रस्टी हैं एंड क्रीक इन द विंड और हवा जब चलती है तो वो क्रीक करते हैं वो एक अजीब सी आवाज करते हैं क्रीक मीन्स टू मेक द नॉइस ऑफ वुड बेंडिंग ठीक है वुड जो लकड़ी होती है उसकी चू चू आवाज -चू -चू करता है ठीक है जो हिंजस हैं वो भी बहुत रस्टी हैं और हवा में क्या करते हैं करते हैं। When in bed, I lie and I listen. जब मैं मैं बिस्तर पे सो रहा होता लेटा हुआ, तो मैं ये आवाज़ सुन सकता हूं. ठीक है? पोएट इज थिंकिंग ओपन दैट डोर other डे वो लेटा लेटा ये सोच रहा है दे इज अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड नाउ ही इज डिस्क्राइबिंग द शेड ओके शेड में क्या क्या था स्पाइडर्स वेब था और हिंजेस थे वो रस्टी थे क्रिकिंग साउंड आ रही थी दिस इज ऑल द डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉट द शेड नाउ ही उस शेड में एक डस्टी ओल्ड विंडो भी है डस्टी मीन्स एज द नेम सजेस्ट डस्टी मीन्स फुल ऑफ डस्ट ठीक है डस्टी मीन्स फुल ऑफ डस्ट देर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो वो पूरी मिट्टी की भरी हुई एक खिड़की है अराउंड एट दैट साइड उस शेड के साइड में थ थ्री क्रैक्ड पेन्स ऑफ अ ग्लास और उसमें क्या है बेटा क्रैक्ड पेन्स है क्रैक्ड मतलब उसमें शीशा जो तड़क जाता है ना टूट जाता है वो उसमें उसके विंडो में है पेन्स मतलब क्या होता है बेटा अ पीस ऑफ ग्लास इन अंडो ठीक है खिड़की में जो कांच लगा होता है दैट इज अंडो पेन सो दैट इज ऑल्सो ब्रोकन आई ऑफन थिंक देअ समरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास द पॉइट सेज मुझे बार बार ऐसा लगता है ज, जितनी भी बार मैं वहां से पास होता हूं मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कोई इस शेड में से देख रहा है या मुझे स्टेयर कर रहा है वॉट इज स्टेयरिंग एग्जैक्ट वर्ड इज घूरना ठीक है स्टेयरिंग मीन्स टू लुक एट कंटिन्यूअसली स्टेयरिंग मीन्स टू लुक एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम विद वंस आईज वाइड ओपन बिल्कुल ऐसे करके आप उसको घूरते ही जाओ मैं जब भी उस शेड के पास से गुजरता हूं जितनी भी बार मुझे ऐसा फील होता है जो मुझे स्टेयर कर रहा है आई पीप थ्रू दैट विंडो वन डे नाउ ही से किसी ना किसी दिन मैं उस विंडो से भी झाकूंगा पीप मीन्स एक छोटा सा झांकना टू लुक एट समी एंड सीक्रेटली स्पेशली थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग ठीक है छोटी सी जगह से आपको कुछ देखने को मिले दैट इज कॉल्ड पीपिंग आप झाके कुछ देखते हो ना तुरंत दैट इज पीप ठीक है माई ब्रादर से गोस्ट इन द शेड अब मेरा भाई कह रहा है किसका भाई पोएट का भाई क्या कह रहा है देर इज अ गोस्ट इन द शेड की शेड में एक भूत है गोस्ट मीन्स भूत ठीक है गोस्ट द स्पिरिट ऑफ अ डेड पर्सन एक मरे हुए इंसान की आत्मा दैट इज सीन और हर्ड बाय समी हु इज स्टिल लिविंग जो कि कोई जिंदा इंसान सुन पाए और देख पाए दैट इज अ गोस्ट ठीक है इट्स नॉट अ लिविंग बींग वो जिंदा नहीं होता बट दैट इज अ सोल ऑफ द पर्सन हु इज डेड हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लो बोर्ड रॉटन मीन्स सड़ा हुआ ठीक है फ्लोर बोर्ड्स क्या होते हैं बेटा उस शेड में लकड़ी के बोर्ड्स थे उनसे फर्श बनाया हुआ था तो क्योंकि वो उसकी साफ सफाई नहीं होती थी और पानी और हवा की वजह से वो गीले होके फूल गए थे और सड़ने लग गए थे वहां पे बहुत सारे माइट्स और इंसेक्ट्स डेवलप हो गए थे बिकॉज ऑफ दैम द फ्लोर बोर्ड स्टार्टेड रॉटिंग वो सड़ने स्टार्ट हो गए थे

गोस्ट वो भूत तुरंत से कूद के आएगा और मेरा हेड चॉप ऑफ कर देगा वॉट डू मीन द वर्ड चॉप ऑफ देना, ठीक है तो उसके भाई ने उसको कह रखा था कि वहां एक भूत है जो रॉटन फ्लोबोर्ड के नीचे रहता है और अंदर कभी जाने की जरूरत भी मत करना क्योंकि तुम्हारे जाते ही वो तुम्हारा गला धड़ से अलग कर देगा बट आई विल टेक अ पीक वन डे बट स्टिल ही सें कि मैं एक ना एक दिन उसमें जरूर झाकूंगा ठीक है नाउ लेट सी द मीनिंग रॉटन मीन्स ओल्ड एंड नॉट फ्रेश इनफ ठीक है सड़ा हुआ फ्लोर बोर्ड्स वन ऑफ द लॉन्ग वुडन बोर्ड्स यूज टू मेक अ फ्लोर डेयर हैव द करेज टू डू समथिंग ठीक है डेयर मीन्स हिम्मत करना कुछ करेज होना कोई काम करने के लिए पीक इट्स सेम एज द पीप कोई झांकना किसी चीज में Okay, students, he is saying he will take a peek one day. Ek din wo, usme zarur. Now, this picture is in your textbook. This is a shed covered by all the trees all throughout the sides, and there is a door, a window with broken glass. This was the shed he was describing. Now, I know that there isn't really a ghost. पोएट से मुझे पता है यहां पे कोई भूत भूत नहीं है मुझे ये सब पता है आई नो इट वेरी वेल माई ब्रदर टेल्स लाइज टू the शेड फॉर his डेन और मेरा भाई मुझसे क्या बोल रहा है झूठ बोल रहा है ही इज लाइंग टू मी डेन क्या होता है बेटा डेन जिसमें शेर रहता है यस और नो लायंस डेन बोलते हैं ना हम शेर की गुफा बट हियर द मीनिंग इज नॉट लाइंस डेन बट डेन मीन्स अ प्लेस वेयर यू कीप ऑल सीक्रेट और एनी थिंग विच यू डोंट टू रिवील इन फ्रंट ऑफ साम का मतलब ऐसा है कि आप अपनी कोई सीक्रेट प्लेस बनाते हो जहां पर आप नहीं चाहते कि कोई भी आए जाए और आपकी चीजों का उसको पता चले दैट इज डेन हियर तो भाई ने क्या कहा है मुझसे झूठ कहा है और वो उस शेड को अपनी डेन या सीक्रेट प्लेस बनाने के फुल मूड में है देयर इजेंट एनी है आई नो इट वेरी वेल दैट देर आर नो कमिंग फ्रॉम द शेड एंड इज नो नॉइस मुझे पता है कुछ भी नहीं है ऐसा बट स्टिल माई ब्रदर इज डूइंग ऑल दिस थिंग बिकॉज ही वॉन्ट्स दैट प्लेस टू बी हिज ओन सीक्रेट प्लेस एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब और जो बकरी है वो भी अपने जाले को छोड़ के जा चुकी है सिंस आई डोंट नो वेन मुझे नहीं याद कि वो कब चली गई बट द स्पाइडर हैज ऑल्सो लेफ्ट हर वेब आई गो इन टू दैट शेड वन डे सून बट नॉट जस्ट येट नाउ ही इज से जरूर एक दिन उस शेड में जाऊंगा बहुत जल्द पर अभी नहीं ठीक है बट नॉट जस्ट येट अभी तो नहीं जाऊंगा बट आई विल गो समा डे वेरी सून ये इसलिए बोल रहा है बेटा क्योंकि कहीं ना कहीं ही इज अ बिट अफ्रेड थोड़ा सा उसको उस चीज का डर है जो उसके भाई ने उसके मन में बिठाया है हो सकता है कोई गोस्ट हो बट ऐसा नहीं है बट दिस दीज आर द फीलिंग्स ऑफ द पॉइंट ठीक है ही इज डेयरिंग टू गो सम अदर डे ठीक है वो हिम्मत करके उसमें जाएगा और जाके उसमें झांकने की भी हिम्मत रखता है एंड ही नो देर इज नो गोस्ट इन ठीक है ही नो ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल डेन मीन्स अ सीक्रेट प्लेस स्पेशर इीगल एक्टिविटीज समझ गए ऐसी जगह जहां पर आप अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करना चाहते यू जस्ट वॉन्ट टू बी इन योर ओन और अपनी अलग ही आपकी एक छोटी सी दुनिया होगी आप जिसको दूसरे से शेयर नहीं करोगे दैट इज वॉट अ डेन इज सो दिस इज अमेज ऑफ शेड अगैन आई होप यू अंडरस्टोड द पोएम वेरी वेल येस ऑन नो वॉज इट इंटरेस्टिंग I liked imagining what all the poet was narrating. Okay? There is no rhyming scheme. And it's a long poem, narrative poem, as you all can see. And I hope you all understood it very well. So, we will meet in our next class with the question answers of this poem. Until then, keep studying. Have a great day,